आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक काम मुस्लिम यूथ लीग की तरफ से हुआ है और हमारे जो IUML के तेलंगाना के सदर साहब है एडवोकेट शकील साहब उनके हिदायत पर और अल्हम्दुलिल्लाह MYL के प्रेसिडेंट तेलंगाना के मीर हामिद अली साहब की जानिब से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का ड्राइव यहाँ पर किया है फरीदाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और बिना मजहब और मिल्लत के हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को इफ्तार बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आज इससे पहले भी 15 रमजान के आसपास में हमने अंबरपेट पे राशन किट का ड्राइव किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत सक्सेस रहा है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि तमाम नौजवानों से कि अल्हम्दुलिल्लाह आइए हमारी जमात में जुड़िए साथ मुस्लिम यूथ लीग जो ऐसे नेक कामों में ऐसे नेक अजदामों में हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं यही हमारे सारे नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि आइए आप ही हमारा साथ दीजिए जमात को मजबूत करिए और इंशाल्लाह आगे चल के भी ऐसे बहुत सारे हम काम करेंगे जैसे कि जॉब फेयर्स है डिस्ट्रीब्यूशन किट वगैरह का काम है और मुस्लिम गुरबा में या फिर बिना यू नो मजहब मिलत के भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो गरीबों की हम ज्यादा से ज्यादा मदद करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह करीब करीब 200 के ऊपर हमने ये बॉक्सेस बांटे हैं इफ्तार के और इंशाल्लाह आगे चल के भी हम फिर से ये काम करने वाले हैं। आवाम को मैं यही बोलूंगा कि देखिए रमजान का पाक महीना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा ऐसे कामों में आप जुड़िए और गरीबों की मदद करिए। तो देखिए आप जो रहने वाला है वो तो दुआएं हैं आपके साथ तो इंशाल्लाह कोशिश करिए जितने दुआएं बटोर सकते हैं इस पाक महीने में आप कोशिश करके उनमें दुआएं लेने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीर हामिद अली इंजीनियर मुस्लिम यूथ लीग का सदर तेलंगाना स्टेट। आज हमने इफ्तार बॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है खैरताबाद के इलाके में और ये महावीर के बाजू जो पड़ती है मस्जिद वहाँ पर हमने ये इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की है। मेरे साथ हमारे नोमान रहमान मुस्लिम यूथ लीग के नायब सदर और हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद सैफ और दूसरे जनरल सेक्रेटरी अशरफ और जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद खजीरुद्दीन अहमद ये सभी जुड़े हैं। सुलेख भी जो हमारे एक्टिव मेंबर है वो भी जुड़े हैं। तो हम सभी लोग जो है ये इफ्तार बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो राशन किट्स हो ये हम पहले रमजान से करते आ रहे हैं कई मकाम पे हमने ये चीजें किए हैं। तो मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा खुसूसी नौजवानों से देखिए 3-4 साल से जो है मैं अपनी जानिब से करता आया हूँ और जो है इस बार जो है मुस्लिम यूथ लीग के बैनर के अंडर पे सदर साहब की हिदायत पे शकील एडवोकेट साहब की हिदायत पे मुस्लिम यूथ लीग के बैनर में ये चीज का जो है इजाद की गई है। इंशाल्लाह यहाँ से हम मुसलसल रमजान में किट्स हो या फिर फूड बॉक्सेस हो या ब्लैंकेट्स हो सर्दियों में सभी चीजों का पढ़ाई वो हो एजुकेशन में हो सभी चीजों के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आज जो है 200 के ऊपर जो है बॉक्सेस हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आने वाले दिनों में और भी होगा तो और भी करेंगे इंशाल्लाह। जो रमजान पाक महीने में जो आजकल एक्सपो चल रहा है गमीना टंडन आ रही है देखिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और मुस्लिम यूथ लीग इस चीज के सख्त खिलाफ है। हमको सदर साहब की हिदायत आई है कि जो है इस चीज के बारे में मालूम करें और ये एक्सपो को जो है जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैं समझता हूँ कोई मशहूर क्रिकेटर है उनके घराने से कोई टेनिस प्लेयर भी है तो वो लोग ये चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मुसलमान बहनों को बेहयाई की तरफ बेशर्मी की तरफ और ये ताखरातों में स्पेशली ये 10 दिन के ताखरातों में जो अल्लाह ताला सबको अता नहीं करता है रमजान और ये ताखरातों में जो इबादत के दिन है इबादत की रात है उसमें जो है हमारे मुसलमान बहनों को जो है बुलाना उसका एडवर्टाइजमेंट करना और वो कोई मुंबई से छिछोरा भी आया है मैं सुना तो जो है ये चीजों के बारे में जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज पर रोक लगानी चाहिए। हम जो है आने वाले रमजान तक हमारे CM साहब रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करेंगे कि इस तरीके के एक्सपोज जिसमें जो है मुसलमानों को जो है अपने नमाजों से कुरान की तिलावत से इबादत से दूर किया जा रहा है उस चीजों पर रोक लगाने के CM साहब से गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह।